वेलकम टू द सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज वन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज वन में हमने क्या जाना, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। हमने जाना कि अर्थमैटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमैटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, और मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी जिसमें कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना था टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो भी हम करने वाले हैं। हमें दो वेरिएबल्स या फिर दो डेटा टाइप्स जो कि इंट डेटा टाइप है, उनमें हम दो इंटीजर्स को इनपुट करेंगे और फिर हम प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके उनके अंदर अर्थमैटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ए इक्वल्स 50, बी इक्वल्स 6, देन हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट the product of a plus b is a plus b। अब हम इसको रेप्लिकेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे दो ऑल्ट कर्सर ले लेता हूँ, ऑल्ट। तो ये हो गया हमारा डिवीजन, ये हो गया हमारा ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन एंड नीचे वाला हमारा। तो हम कर लेते हैं यस मॉडुलस। अब हम इसको परफॉर्म करके भी देख लेते हैं कि क्या मिलेगा। तो हमें मिल गया है द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी इज 56, द प्रोडक्ट ऑफ ए डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 300, द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज सॉरी डिवाइडेड बाय बी इज 8.333333 and so on for, I guess, the product of a modulus p is a, okay। और अब हम इस पे और भी सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक और परसेंटेज साइन, अब हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए परसेंटेज बी इज 2, ओके। तो यही बेसिकली हमारा एक्सरसाइज वन का सॉल्यूशन था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमने वैल्यू तो दी पर हमने बदल बदल के नहीं दी, जैसे हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं। कैलकुलेटर पे गए हम, कैलकुलेटर में क्या करते हैं कि हमने साथ 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो हमें लिया 54। फिर हमने इसको सी करा, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 फिर हमें मिल गया 54। अब हमें 9 डिवाइडेड बाय 6 करना है, हमें फिर से मिल गया हमारा आंसर, फिर हमें 9 परसेंटेज 6 हमें फिर से मिल गया हमारा आंसर 1, 50% 6 फिर से हमारा आंसर मिल गया। तो हम इसमें हमारे बार बार इनपुट दे रहे हैं पर हमारा ये जो फंक्शन है इसमें सिर्फ हम यहाँ पे चीज़ें चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं चेंज। तो हम वो भी सीखेंगे जब हम इनपुट का लेसन देंगे। तो मैं आपको इनपुट्स के बारे में भी बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को इनपुट इंटीजर में इनपुट कन्वर्ट कर देते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको फंक्शन करके उससे हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ में करते हैं। तो बस यही था एक्सरसाइज उनका सॉल्यूशन। मिलते हैं डे 7 में। Thank you guys for watching this video.